हेलो एवरीवन, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए ओरियो चोकोबार की रेसिपी। और फ्रेंड्स, इसको हम सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे, वो भी बिना किसी मोड़ के। तो चलिए इस डिलीशियस क्रीमी क्रीमी चोकोबार को बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ओरियो चोकोबार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ओरियो के पैकेट लिए हैं। ये 10-10 रुपए वाले 2 पैकेट हैं। मैंने यहाँ पर 2 पैकेट का इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैकेट को ओपन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वेनिला क्रीम वाले बिस्किट का इस्तेमाल किया है। अगर आपको चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी वाला कोई भी आपको फ्लेवर यहाँ पर मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर अपने दोनों बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट को निकाल लिया है। और अब लेंगे एक मिक्सी का जार। अब हमने जो ये बिस्किट निकाल कर रखे थे वो हम इसमें तोड़ तोड़ के इसमें डाल देंगे। बिस्किट डालने के बाद अब इसमें हमारा जाएगा फुल क्रीम मिल्क। यहाँ पर मैं 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हो सके तो इसमें फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करें, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी। तो चलिए, हमने अब इसको अच्छे से पीस लिया है और आइसक्रीम का मिश्रण हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है एक डेयरी मिल्क, जो कि इजिली आपको शॉप पर मिल जाएगी। ये 20 रुपीज़ की आती है। तो मैंने इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखा था, फिर इसको थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए मैं इसको गर्म पानी में रखा है। तो ये लीजिए, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, छूने से इसको पता चल रहा था। और अब मैं यहाँ पर लिया है मोल्ड का, तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 कप का इस्तेमाल करेंगे। ये कॉफ़ी कप है, जो कॉफ़ी कप मार्केट में मिलता है वही है। तो चलिए अब इसमें हम ये जो डेयरी मिल्क है ना, वो डाल देंगे। और घुमा घुमा के अच्छे से इसको अच्छे से चारों तरफ इसके लगा देंगे। और हम फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 डेयरी मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम 2 कप यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। तो ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से हाथ से इसको अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 2 कप भी रेडी कर लिया था और इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था सेट होने के लिए। और ये लीजिए, कितने आसानी से हमारा ये डीमोल्ड भी हो चुकी है चॉकलेट जो हमने इस पर लगाई थी, क्योंकि इसको डीमोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसमें जो हमने आइसक्रीम का मिश्रण बना के रखा है वो हम अच्छे से डाल सकें। तो ये लीजिए, हमारे 2 कप में भी अच्छे से मैंने इसको चॉकलेट को डीमोल्ड कर दिया है। तो अब हम इसमें जो हमने मिश्रण बना के रखा था आइसक्रीम का, वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बिस्किट और सिर्फ दूध से कितना अच्छा इसका मिश्रण बना कर बिल्कुल रेडी किया है, सिर्फ 2 चीज़ों में। और तीसरी चीज़ थी हमारी डेयरी मिल्क। तो हमने सिर्फ 3 चीज़ों से इसको बनाया है। तो अब हमने जो मिश्रण बना कर रखा था वो हम 2 कप में इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 बिस्किट के पैकेट में 2 कप का मिश्रण हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया, सिर्फ 1 कप दूध और 2 बिस्किट के पैकेट। तो ये लीजिए, अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में सेट करेंगे। तो अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख रहे हैं। और ये लीजिए, 2 से 3 घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो गई है। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ लिए हैं 2 ओरियो के बिस्किट। अब ये जो 2 ओरियो के बिस्किट हैं, इनकी जो क्रीम है वो हम खा लेंगे, क्योंकि हमें इनका रेसिपी में कोई इस्तेमाल नहीं करना है। तो इनको खा लीजिएगा और ये जो बिस्किट हैं इनको अलग रख दीजिएगा। अब हमने एक चाकू की नोक से इसमें हम होल करेंगे। और ये करना बहुत इजी है, अगर आपसे ये नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। चाकू की नोक को थोड़ा सा पानी में डिप कीजिएगा और ओरियो बिस्किट के सेंटर में बिल्कुल इसमें होल कर दीजिएगा, क्योंकि पानी से जो ओरियो बिस्किट की सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी और आप आसानी से होल कर पाएंगे। और अब हमने यहाँ पर जो स्टिक है वो ले लेंगे और इसमें अच्छे से इसको धीरे धीरे बहुत आराम से इसमें होल में इसमें डाल देंगे। तो ये लीजिए, हमारी 2 बिस्किट की यहाँ पर स्टिक रेडी हैं।
और अब उसको बिल्कुल धीरे धीरे इसमें हम प्रेशर डालते हुए इसको फिट कर देंगे। ये लीजिए कितने आराम से हमारी ये दोनों फिट हो गई हैं, और हम अब इसे फिर से ओवरनाइट फ्रीज कर देंगे। और अब 2 से 3 घंटे के बाद फ्रीज में सेट होने के बाद इसको बड़े आराम से अब हम ग्लास से निकालेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल डिलीशियस यम्मी सी हमारी यहाँ पर ओरियो चॉकोबार बिल्कुल रेडी है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।